जो भी हमारे प्यारे फ्रेंड्स रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हैं या क्रिएट करने के लिए सोच रहे हैं, उन्हें अपना रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करने के लिए यूनिक वीडियोस चाहिए। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे जगह के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप रिस्पेक्ट वाली वीडियोस ले सकते हो और उस पर अपना रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करके इजीली यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तो प्लीज़ यार वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। ये आपके भाई का चैनल है यार, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, कसम थोड़ी ना खा रखा है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो। हे गाइस, मैं आगे फिर एक नए वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस के बारे में। अगर आप रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो तो आपको व्यूज वाली कोई भी समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप अपना रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो तो बिना किसी ट्रिक के, बिना कुछ अपना दिमाग लगाए उसे यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड कर देते हो, लेकिन जैसे ही आपके उस शॉर्ट वीडियो से आपके चैनल पर व्यूज या सब्सक्राइबर आ जाते हैं, और जब भी आपको अपना चैनल मोनेटाइज करने का जो वक्त है, टाइम आ जाता है, और आप मोनेटाइज के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल जाते हैं जिनकी वजह से आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। जो ये हमारा प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम आपको चैनल मोनेटाइज करते वक्त आने वाली, इसका सलूशन वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो एंड को मिस मत करिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने फोन के स्क्रीन पर और देखते हैं कि अपने रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस के लिए यूनिक शॉर्ट वीडियोस कहां से लेना है जिस पर हम अपना रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस इजीली क्रिएट कर सके। पहले आपको यूट्यूब ऐप ओपन करना है। जैसे ओपन करते हो नीचे वाले थंबनेल पर आपको बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आपका जो मन है विचलित हो सकता है। आपको ऊपर ध्यान देना है सर्च बॉक्स पर, और यहाँ पर मैं रिस्पेक्ट लिखकर सर्च कर दूंगा। जैसे आप लिखकर सर्च करते हो साइड में आपको 3 डॉट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर मैं सर्च फिल्टर पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर नीचे आपको क्रिएटिव कॉमन्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे क्रिएटिव कॉमन्स के बारे में तो बहुत लोगों ने बता रखा है, मैं क्या स्पेशल बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस के लिए वीडियोस कहाँ से लें, इस टॉपिक पर मैंने 2 वीडियो बना रखी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ लिमिटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो सिंपल सा आप मेरे उन दोनों वीडियोस को जाकर देख सकते हो जहाँ से आप अनलिमिटेड रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस के लिए अपने वीडियोस ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स पर क्लिक करूँगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मिल जाते हैं। करना आपको क्या, सिंपल सा 3 डॉट पर क्लिक करना है और इसका शेयर लिंक कॉपी करना है, क्रोम पर जाना है, लिंक को पेस्ट करना है और इसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, किसी भी वीडियो एडिटिंग ऐप में जाना है, 3 से 4 शॉर्ट वीडियोस को एक ही शॉर्ट वीडियो में मतलब ऐड कर लेना है। जैसे 2-3 शॉर्ट वीडियोस को एक ही क्लिप में ऐड कर लेना है 10 से 15 सेकंड के अंदर, और उसमें एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद यूट्यूब शॉर्ट में अपलोड कर देना है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ फेसबुक पेजेस के बारे में। तो अब हम चलते हैं फेसबुक पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फेसबुक ऐप को ओपन कर दिया है। ऊपर आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट लिखकर सर्च कर देना है। जैसे आप रिस्पेक्ट लिखकर सर्च कर देते हो, नीचे आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट वाली वीडियोस, लॉन्ग और शॉर्ट वाली वीडियोस देखने के लिए मिल आएंगी। यहां पर मैं एक वीडियो आपको प्ले करके भी दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको ऐसे बहुत जो वीडियोस हैं लॉन्ग देखने के लिए जाए, सिंपल सा क्या करना है, लॉन्ग ही वीडियो को डाउनलोड कर लेना है और उनमें बहुत सारे कट ऐड करने के बाद अपना उस पर शॉर्ट वीडियोस इजीली क्रिएट कर सकते हो। आपको इन सारे वीडियोस को डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। फेसबुक वीडियो डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा करना कुछ नहीं है, उसका शेयर लिंक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको क्रोम पर जाना है और वहां पर सर्च करना है फेसबुक वीडियो डाउनलोडर। ये लिखकर जैसे सर्च करते हो नीचे आपको बहुत सारी साइट देखने के लिए मिल जाएंगी। किसी भी साइट पर आपको चले जाना है, सामने आपको एक ब्रैकेट देखने के लिए मिल जाएगा, उस ब्रैकेट में कॉपी किए गए लिंक को पेस्ट कर देना, सर्च या डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और वहां से अपने वीडियोस को डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आप अपने किसी भी एडिटिंग ऐप में जाइएगा, वहां पर अपने वीडियो को, रिस्पेक्ट वीडियो को एडिट कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप अपने रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम रील वीडियो भी ले सकते हो। सिंपल सा आपको इंस्टाग्राम पर आना है और सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है। ऊपर मैं सर्च करूंगा रिस्पेक्ट वीडियो, ये लिखकर जैसे मैं सर्च करूंगा यहाँ पर आपको कुछ रिस्पेक्ट वाली वीडियोस बहुत ही कम ही देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको एक ट्रिक को फॉलो करना है, जाना है टैग वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर सबसे ऊपर जो आपको एक टैग देखने के लिए मिल जाता है रिस्पेक्ट वीडियो, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो भर भर के जो आपको रिस्पेक्ट वाली रील देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं एक प्ले करके भी दिखा देता हूँ। सिंपली इसका लिंक कॉपी करना है, क्रोम पर जाना है, इसे डाउनलोड कर लेना है, या तो आप शेयर करके ऐड टू स्टोरी पर करके इसे भी सेव कर सकते हो, मतलब यहाँ से भी आप सेव कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम्स के। अब हम बात कर लेते हैं हमें अपने रिस्पेक्ट चैनल को मोनेटाइज करने के लिए किन बातों का ध्यान देना। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन आने वाला है वो होने वाला है बैकग्राउंड म्यूजिक का। तो होता क्या है, जब भी आप अपना रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो तो आप अपनी मतलब कोई भी नो कॉपीराइट्स बैकग्राउंड म्यूजिक वहां पर ऐड कर लेते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, मतलब सारे वीडियोस में नहीं करना। आपको जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर आप 10 वीडियोस क्रिएट करते हो तो 5 वीडियो में आप अपनी तरफ से कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक एडिट करते वक्त वहां पर ऐड कर सकते हो, लेकिन 5 शॉर्ट वीडियोस में आपको यूट्यूब के जो साउंड वाला ऑप्शन होता है वहां से बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट करना है, जिसकी मदद से आप कॉपीराइट्स क्लेम और भी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो साउंड वाले ऑप्शन से एक बैकग्राउंड म्यूजिक को सिलेक्ट कर लीजिएगा शॉर्ट वीडियोस को अपलोड करते वक्त। अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे ट्रिक के बारे में, और यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहूँगा, मेरे बताए हुए ट्रिक को आपको सारे वीडियोस में अप्लाई नहीं करना है। जब भी आप अपना रिस्पेक्ट शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करते हो तो आपको 10 में से 5 ही शॉर्ट वीडियोस में अप्लाई करना है। अभी मैंने आपको बताया है करना क्या, हमारे दूसरे ट्रिक के अनुसार आप जब भी अपना शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करो तो वहाँ पर आप अपना खुद का कुछ वैल्यू ऐड करो, जैसे कि फेस ऐड कर सकते हो, जैसे कि कुछ लोग रिएक्शन वीडियोस क्रिएट करते हैं या अपने
वाइज को ऐड कर सकते हो वीडियो के एंड में, लाइक और सब्सक्राइब के लिए बोल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे ट्रिक के बारे में, और तीसरे ट्रिक में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाएगी। जब भी आपको लगता है कि हाँ मेरा चैनल अब थोड़ा सा ग्रो हो चुका है, मेरे चैनल को रीच मिल चुकी है, तब आपको क्या करना है, अपने उस चैनल पर रिस्पेक्ट शॉर्ट वाले चैनल पर 3 से 4 लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करना है। उस लॉन्ग वीडियो में आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो या अपने चैनल के बारे में बता सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो YouTube को लगेगा कि हाँ ये ओरिजिनल कंटेंट ओरिजिनल क्रिएटर है, मतलब कंटेंट क्रिएट करता है। तो आप इन सारे ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपको चैनल मोनेटाइज करते वक्त कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट या इंस्टाग्राम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम में मैंने कुछ ऐसे एप्लीकेशन दिए हैं जिसकी मदद से आप अपने वीडियोस को बिना किसी बटन मार के एडिट कर सकते हो, तो जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना।